नमस्कार मैं प्रिया, धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। देश की सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर यूजीसी की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है। यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार के मुताबिक सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए जुलाई के पहले हफ्ते में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कराया जाएगा। दरअसल कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से आयोजित किया जाएगा। सीयूईटी पैटर्न जल्द ही तैयार कर लिया जाएगा। अप्रैल के पहले सप्ताह से ही परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चीन के दक्षिणी प्रांत गुआंगशुगी झुआंग स्वायत्ता क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान में सवार 132 यात्री और चालक दल के सदस्यों में कोई भी जीवित नहीं बचा है। वहीं रात गहरी होने के साथ ही सुदूर पहाड़ी क्षेत्र में बचाव कार्य भी मुश्किल हो रहा था। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन विभाग के हवाले से लिखा है कि चाइना ईस्टर्न एयरलाइन का बोइंग 737 विमान तेंगशियान काउंटी के वुझो शहर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे आसपास के पहाड़ी इलाके में आग लग गई। पाकिस्तान में सियासी उथल पुथल के बीच नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN ने प्रधानमंत्री पद के लिए अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। विपक्षी पार्टी PMLN ने नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। भारतीय टीम ने यास्तिका भाटिया के अर्धशतक के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत महिला वनडे वर्ल्ड कप के मुकाबले में बांग्लादेश को 110 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। हैमिल्टन में मंगलवार को खेले गए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 229 रन बनाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को विश्व जल दिवस पर पानी की एक एक बूंद बचाने का अपना आह्वान दोहराया है। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ सालों में जल संरक्षण को एक जन आंदोलन बनते देखना खुशी की बात है। उन्होंने जल संरक्षण की दिशा में काम करने वाले सभी लोगों और संगठनों की तारीफ भी की। मोदी ने ट्वीट किया कि विश्व जल दिवस के मौके पर आइए पानी की एक एक बूंद को बचाने के लिए अपने संकल्प को दोहराए। 10 दिन बाद अप्रैल का महीना शुरू हो रहा है। अप्रैल में नए वित्त वर्ष की शुरुआत होती है जहां वित्तीय कार्यभार बढ़ेंगे। वहीं अप्रैल में बैंक छुट्टियों की भी भरमार है। अगले महीने गुड़ी पड़वा, अंबेडकर जयंती और बैसाखी जैसे त्यौहार की वजह से कुल 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2022 के लिए बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज पांचवा दिन है। दोनों सदनों में पेट्रोल डीजल एलपीजी सिलेंडर और किरोसिन के दामों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है। बता दें कि इससे पहले सोमवार को लोकसभा में कई सांसदों ने केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश को लेकर हर सांसद को दिए गए 10-10 सीटों के कोटे के मुद्दे को उठाया। उनकी मांग थी कि कोटे की संख्या को बढ़ाई जाए या फिर इसे खत्म कर दिया जाए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि देश की राष्ट्रीय राजनीति में मौजूद शून्य को भरने की कोशिश जारी है। केसी राव और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अनेक राजनीतिक दलों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम केसीआर ने संवाददाताओं से कहा है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पूरे देश में परिवर्तन लाने के लिए उनके साथ काम कर रहे हैं। दोनों तेलंगाना में भी साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक शून्य है भारतीय राजनीति में शून्य है। आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा जाने वाले उम्मीदवारों के ऐलान के बाद पंजाब की सियासत गर्मा गई है। हाल ही में पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करके केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। सिद्धू का आरोप है कि राज्यसभा उम्मीदवारों के जरिए दिल्ली में बैठे लोग पंजाब सरकार को कंट्रोल करना चाहते हैं। जहां एक तरफ चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत के साथ गलवान घाटी पर शांति की बात करने को कहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीन गुप्तचरों से भारत की जासूसी करना चाहता है। चीन ने भारत और भूटान की सीमा से सटे विवादित इलाकों पर 624 गांव बसा डाले हैं। उसने ये दावा किया है कि ये गांव तिब्बत के चरवाहों के लिए बनाए गए हैं, जबकि सूत्रों की माने तो इन गांवों को बसाने का असली मकसद भारतीय क्षेत्र की जासूसी करना है। समाजवादी पार्टी के सांसद जया बच्चन ने मंगलवार को पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस के दाम बढ़ने को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सपा के नेता अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार में ये बात कही थी कि लोगों को अलर्ट रहना होगा क्योंकि चुनाव के बाद दाम बढ़ेंगे। बिहार की स्थापना के समय से ही उत्तर बिहार के खेती प्रदेश की GDP को ऊंचाई देती रही है। उत्तर बिहार में होने वाली नकदी फसलों को यूरोपीय देश में भेजा जाता है। इसमें जई और जूट की विशेष मांग थी। पश्चिम चंपारण में गन्ने की खेती किसान भरपूर मात्रा में करते थे। इसके अलावा मिट्टी के रेहन से नमक और सोरा तैयार भी किया जाता था। अगर आप भी सिंटेक्स के शेयरों से नहीं निकल पाए हैं तो आपका पैसा फंस चुका है। BSE और NSE पर आज से सिंटेक्स के शेयरों की ट्रेडिंग बंद हो चुकी है, यानी अब इसके शेयरों में कोई खरीद बिक्री नहीं होगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ACRE ने सिंटेक्स इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण कर लिया है। इसके बाद सिंटेक्स के शेयरों को डीलिस्ट करा दिया गया है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर दम तोड़ती दिख रही है। देश में कोरोना के नए मामलों में बड़ी राहत देखने को मिली है। दरअसल बीते 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 1581 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 33 लोगों की जान भी गई।
दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादक देश सऊदी अरब ने अपने प्रमुख तेल उत्पादक केंद्रों पर यमन के हुती विद्रोहियों के हमले के बाद तेल उत्पादन पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव के लिए किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। बता दें कि सऊदी अरब के प्रमुख तेल उत्पादों पर हुती विद्रोहियों ने हमला कर दिया है। इससे सऊदी अरब में तेल का उत्पादन प्रभावित हो रहा है और आपूर्ति कम होने की वजह से वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ रही है। न्यूजीलैंड में खेले जा रहे महिला विश्व कप 2022 की शुरुआत टीम इंडिया ने की थी, लेकिन अब लगातार दो हार के बाद टीम इंडिया के सेमीफाइनल के सफर पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। भारतीय महिला टीम ने इस वर्ल्ड कप में अब तक 5 मैच खेले हैं, जिसमें से 2 मैच जीती है और 3 मैच हारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के खिलाफ समर्थन दिखाने में भारत की स्थिति थोड़ी असमंजस वाली है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के ज्यादातर मित्रों और सहयोगियों ने व्लादिमीर पुतिन के आक्रामक रुख से निपटने में एकजुटता दिखाई है। रूस की सेना ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला कर दिया था, जो अब तक जारी है। हमले में 3 दिन पहले रूस ने यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्र दोनेत्स्क और लुहान्स्क की स्वतंत्रता को मान्यता दी थी। बिहार के पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी ने मंगलवार को कहा है कि मैं सरकार का हिस्सा हूं पर एनडीए में शामिल नहीं। ताजा हालात बता रहे कि मुझे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से निकाल दिया गया है। मैं अभी सब कुछ नहीं बोल सकता, मेरा इशारा समझिए। फेसबुक लाइव पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख सहनी ने इशारों में भाजपा पर बड़ा हमला किया है और उन्होंने कहा है कि मैं शाहरुख खान नहीं दिखता, भाजपा मेरी ताकत देखकर खुद मेरे पास आई थी। भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम की तरफ से प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों पर वैकेंसी जारी हुई है। अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। जो कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें ऑफिशियल वेबसाइट ecgc.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 27वां दिन है। इस रूस यूक्रेन जंग में भारत के रुख से अमेरिका ने पहली बार नाराजगी जताई है और ये राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान से साफ नजर आता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि यूक्रेन पर रूस के हमले पर भारत का रुख कुछ हद तक अस्थिर रहा है। चीन में आई आर्थिक मंदी काफी कुछ बदल रही है। इस मंदी ने काफी हद तक भू आर्थिक गतिशीलता को भी बदल दिया है। इसके परिणाम स्वरूप भारत के लिए भी नई सप्लाई चेन और नए अवसर पैदा हो रहे हैं। इस मंदी ने काफी हद तक भू आर्थिक गतिशीलता को लेकर भी बदल दिया है। इसके परिणाम स्वरूप भारत में अब बदलाव देखने की उम्मीद जताई जा रही है। हांगकांग पोस्ट में छपी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार आया है और पिछले एक दशक में यहां की अर्थव्यवस्था अबाधित रूप से तरक्की कर रही है। भारतीय सेना में अधिकारी बनने का बेहतरीन मौका है, इसके लिए इंडियन आर्मी ने एसएससी टेक्निकल ऑफिसर के पदों पर भर्तियां निकाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इंडियन आर्मी के ऑफिशियल पोर्टल joinindianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। द कश्मीर फाइल्स इस वक्त लोगों के बीच काफी हिट हो रही है। लोगों को इस फिल्म की कहानी काफी ज्यादा पसंद आ रही है। फिल्म में सभी कलाकारों ने अपनी एक्टिंग शानदार तरीके से की है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी गजब के रिकॉर्ड बना रही है। एक पत्रकार ने अजय देवगन से पूछा कि द कश्मीर फाइल्स की सफलता सभी देख रहे हैं, उनकी फिल्म रनवे 34 सच्ची घटना पर बनी हुई है, तो क्या सच्ची दर्शकों को आकर्षित करने का नया जरिया है? इसका जवाब देते हुए अजय देवगन ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, ये पूरी दुनिया में है। डीजीसीए के चीफ अरुण कुमार ने कहा है कि उसने भारतीय विमानन कंपनियों में शामिल बोइंग 737 विमान की निगरानी बढ़ा दी है। दरअसल चीन के ईस्टर्न एयरलाइंस के इसी एयरक्राफ्ट के सोमवार को क्रैश होने की घटना के बाद यह कदम उठाया गया है। 3 भारतीय कंपनी स्पाइसजेट विस्तार और एयर इंडिया एक्सप्रेस के बेड़ों में बोइंग 737 एयरक्राफ्ट शामिल है। झारखंड पूरे देश में अमृत 2.0 के तहत योजनाओं की स्वीकृति में पहला राज्य बन गया है। सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अमृत 2.0 के लिए राज्य सरकार की तरफ से भेजी गई सभी योजनाओं को केंद्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। शहरी क्षेत्र में हर घर को निशुल्क पीने का पानी पहुंचाना, राज्य के 7 प्रमुख शहरों में अपशिष्ट जल प्रबंधन, सभी निकायों में जल स्रोत का जीर्णोद्धार और 2025-26 तक हरियाली विकसित करना झारखंड में अमृत 2.0 के तहत लक्ष्य निर्धारित है। पंजाब में भाजपा का सुपड़ा साफ कर आपने राज्य में सरकार बना ली है। हाल ही में आपके मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब को सौगात देना शुरू कर दिया है। शराब की वजह से बदनाम हुए भगवंत मान आज पंजाब की जनता के लिए अपने आप को पूरा समर्पित करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज विधानसभा में बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके तहत ही सभी पुराने और रिटायर हो चुके विधायकों को पेंशन बंद करने की बात कही गई है। यूक्रेन पर आक्रमण के चलते रूस पर लगी पाबंदियों की रूसी जनता पर भारी मार पड़ रही है। चीनी के लिए सुपरमार्केट में रूसी लोगों की आपस में लड़ाई का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है। चीनी के तंगी की वजह से कुछ स्टोर्स ने प्रति ग्राहक 10 किलोग्राम की सीमा लगा दी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। हाल ही में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में वो करहल विधानसभा सीट से विधायक का चुनाव जीते थे, जिसके बाद से अटकलें लगाई जा रही थी कि वो विधायक की छोड़ेंगे या फिर सांसद पद से इस्तीफा देंगे। हालांकि अब यह संशय दूर हो गया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मंगलवार दोपहर लोकसभा पहुंचे थे, यहां उन्होंने स्पीकर ओम बिरला से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपा।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि भारत जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत लिए गए अपने सभी वादों को पूरा करने में सुदृढ़ता से यकीन रखता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि महिलाएं देश की सतत विकास यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है और आगे भी रहेंगी। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में विधायक चुने जाने के बाद विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। योगी अपने पिछले कार्यकाल में विधानमंडल के उच्च सदन के सदस्य के रूप में मुख्यमंत्री पद पर कार्य करते देखे गए थे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है राम नारायण, चंदा कुमारी, उमा शंकर, अजीत कुमार, उमेश प्रकाश ऑफिशियल, श्वेता रॉय प्रदीप, सोनी कुमारी, दिनकर कुमार, विजय घायल, कुश कुमार यादव, रंजीत मिश्रा, विशाल कुमार, बबलू सिंह। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आने वाले समय में भारत में पीएम मोदी की सरकार दोबारा से आएगी या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।